और इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। वेस्ट वर्जीनिया से डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अमेरिका में जीत की पहली खबर आ रही है। वेस्ट वर्जीनिया से डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो रेड स्टेट और ब्लू स्टेट, यानी रेड स्टेट जो कि रिपब्लिकन के हैं और ब्लू स्टेट यानी जो डेमोक्रेट्स के हैं, इनके अलावा स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजर रहेगी और उन स्विंग स्टेट्स पर जी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देते रहेगा। फिलहाल वेस्ट वर्जीनिया में, यहां अमेरिका में पहली जीत की खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जहां माना जाता है कि कभी उनका रुझान डेमोक्रेट की तरफ होता है, कभी उनका रुझान रिपब्लिकन की तरफ होता है। इसलिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत इन्हीं स्विंग स्टेट्स में सौंपी थी। और वर्जीनिया से जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी मीडिया संवाददाता अशोक राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अमेरिकी चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। भारत में सब लोग यही समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये तय कब तक हो पाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आज तय हो जाएगा या कुछ समय लगेगा, क्योंकि 2012 और 2016 में देखा था कि सेम डे डिक्लेयर हो गया था, लेकिन 2020 में लंबे समय तक जद्दोजहद चली थी। चंदन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त जो पूरे अमेरिका से खबर आ रही है, और ये खबर ये बता रही है कि ट्रंप हर जगह लीड कर रहे हैं। ये शुरुआती रुझान में ट्रंप को सबसे ज़्यादा लीड्स मिल रहे हैं, और एक जगह वर्जीनिया से तो ट्रंप की जीत की भी खबर आ चुकी है। तो ऐसे समय में ये है कि वो समय बहुत दूर नहीं जब ये तय होगा कि आखिरकार व्हाइट हाउस यानी कि कैपिटल हिल में बैठेगा कौन, बॉस होगा कौन अमेरिका का। और आज ही मुमकिन है कि आज ही इस बात की घोषणा कर दी जाए कि आखिरकार अमेरिका में सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि कई ऐसी जगहें हैं जो कि ट्रंप के तरफ से ये लीडिंग ये बताई जा रही है कि वो लीड कर रहे हैं, और जो एक जादुई आंकड़ा है 270 का, वो अगर इसी तरीके से लीड रही तो वो छू सकते हैं और ट्रंप अपनी सरकार बना सकते हैं। जो शुरुआती रुझान है चंदन, मैं बार बार यही कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने हर मसले को सबसे सर्वोपरि रखा और जिस मसले को लेकर वो चुनाव में गए, उसका रुझान में असर दिख रहा है फिलहाल अभी शुरुआती दौर में। तो अभी शुरुआत में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया या फिर कमला हैरिस ने चुनाव जीत लिया। हमारे साथ स्टूडियो में जेके त्रिपाठी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। जेके त्रिपाठी सर, पिछली बार हमने देखा था 2016 एक नजीर है, पॉपुलर वोट लेकर के भी हार गई थी हिलेरी क्लिंटन। तो ये पॉपुलर वोट कितना मायने रखता है? देखिए, पॉपुलर वोट वहां पर मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या है कि 50 में से दो राज्यों को छोड़ के बाकी 48 राज्यों में ये होता है कि द विनर टेक्स ऑल। यस, मतलब 48 राज्यों में अगर जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है इलेक्टोरल वोट्स में, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव में, इलेक्टर्स में, वो सारे ही ले जाता है। जैसे कहीं अगर उदाहरण के तौर पे अगर 12 सीट्स हैं और 12 में से 5 अगर रिपब्लिकन को मिल गई तो उनको सारे के सारे मिली हुई मानी जाती है। Z News.